हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये देखिए, आप में से छोलिया किस किस को पसंद है? आलू छोलिया, आलू मटर होता है एक, एक होता है आलू छोलिया। खिलौने नहीं आई बेटा जी, संतरे आए हैं। ये तो संतरे आए हैं और इसमें भी संतरे ही हैं। किन्नू और संतरे, संतरे। पापा जी जो भी फल फ्रूट लेकर आते हैं उनके मेरी हेल्प हो जाती है कि मेरे को जाना नहीं पड़ता। उनका चक्कर लग रहा होता है सब्जी मंडी से ले आते हैं, लेकिन मैं हिसाब रखती हूँ। जैसे मान लो अब 250-300 रुपए के फ्रूट्स आए तो मैं बाद में पापा जी को पैसे दे देती हूँ। मैंने पहले ही कह रखा है, पापा जी पैसे आपके नहीं लगेंगे, बस आप लेके आ गए सब्जी मंडी से, मेरे को नहीं जाना पड़ा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प है। मैं पीछे वाले रूम में बैठी हुई थी और ये देखिए बाबू विहान एकदम से नंगे पाँव चुपचाप भाग लिया। पापा जी दरवाज़ा खुला छोड़ गए थे और एकदम से, लेकिन उसी वक्त पापा जी को याद आ गया। बस निकला ही था बाहर, पापा जी बोलते विहान का है, तभी ले आए बस इसको। फ्रेंच फ्राइज खाना किस किस को पसंद है? वो भी होममेड, बिल्कुल घर के। बहुत ही ज़्यादा गर्म है अभी तो। और भी इतने सारे फ्रेंच फ्राइज देखो, एक अभी ये खाली किया था और पापा जी ले आए। हाँ, शोश शोश के साथ। पापा जी तो आज देखिए, पहले फ्रेंच फ्राइज, उसके बाद ये ऑमलेट। बच्चे और बचपन ऐसा ही होता है ना, खेलते खेलते कब आंख लग जाती है बच्चों को पता ही नहीं चलता। जहां लेट बैठे होते हैं वहीं सो जाते हैं कई बार। अच्छा मतलब ऐसा लगता है, देखो खेल रहा था कि अभी 2 मिनट पहले तक और 1 मिनट में नींद आ गई। सो गया, सो गया। हाँ अभी अभी सो गया, अपने आप ही नींद आ गई ना। अभी तक तो नहीं आई ना। कल रात को ना मेरी ऐसी हालत हो रही थी, मुझे लग रहा था यार मुझे ना नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास जाके जरूर दिखाना चाहिए। अभी दिन में नहीं हो रहा है, अभी सही हूँ मैं, लेकिन रात के 8 साढ़े 8 बजे होते ही होते ना मेरे हाथों में दर्द, मेरे पैरों में दर्द, मेरी कमर में दर्द, पूरी बॉडी में इतना दर्द होने लग जाता है। और वो सुबह नहीं होता, दिन में भी नहीं होता। दिन में अभी मेरे को ठीक फील हो रहा है, मेरे को ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि मेरे घुटनों में भी दर्द है। और रात तक या तो मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ, मैं टायर्डनेस फील होती है, मेरे हाथ तक दर्द कर रहे होते हैं उस टाइम। मेरे हाथों की उंगलियाँ भी दर्द कर रही होती हैं, घुटने भी दर्द, घुटनों के पाँव की उंगलियाँ भी दर्द कर रही होती हैं। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? लेकिन दिन में नहीं होता है। और आप कहोगे गठिया वगैरह, गठिया वगैरह मेरे कुछ नहीं है। मैंने गठिया का टेस्ट करवाया था आज से 1 साल पहले, वो नेगेटिव आया था। आर फैक्टर होता है ना, वो नेगेटिव था। और बस अभी विहान सो रहा था तो एक होता है ना माँ को कि यार एक वो होता है कि चल आराम कर लेते हैं, बच्चा सो रहा है। मेरे साथ वो चीज़ नहीं है, मुझे लगता है कि चलो विहान सो रहा है तो मैं फटाफट कुछ ना कुछ काम निपटा दूँ। घर की साफ़ सफाई आप देख ही सकते हो, जब विहान जाग रहा होता है तो वो खिलौने पूरे बेड पे, खिलौने खिलौने बिस्तर पे, खिलौने दूसरे कमरे में, खिलौने उसके, खिलौने समेटती रहती हूँ। ये उसके कुछ कपड़े हैं, इनको भी तय करके ढंग से लगा देती हूँ, सारे मैं ना पीछे अच्छे से सेट कर देती हूँ। अभी कुछ सर्दियों के कपड़े विहान के थोड़े बहुत हैं वो, और बेड में रख दूंगी। अपने कपड़े मैं अलमारी में जचा देती हूँ। विहान बार बार छू छू वगैरह करता है ना, तो इसीलिए उसके बाहर रखती हूँ कपड़े, बार बार हाथों हाथ निकालू, बार बार अलमारी खोलनी पड़ती है वरना। तो ये सारा सेट कर देती हूँ। और स्कूबी वापिस आ गया है, उसका कुछ कारण है। देखिए उसकी गलती है, गलती स्कूबी की है, मैं उनको नहीं बोलूंगी। कि उसके जो नए मम्मी पापा थे वो तो स्कूबी से प्यार करते थे, उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि हम स्कूबी अब आपको वापस नहीं देंगे, अब ये हमारा हो गया। लेकिन स्कूबी ने गड़बड़ कर दी। आप ये मत सोचिएगा कि स्कूबी ने किसी को काट लिया, स्कूबी ने किसी को नहीं काटा। वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा काटने वाला कुत्ता नहीं है कि स्कूबी काटे। बट उसने गड़बड़ कर दी पड़ोसियों के साथ कुछ, है ना, पड़ोसियों के वहाँ पे जैसे खुला छोड़ रखा होगा, पता ही है आपको, फिर पड़ोस में ऐसी बात हो जाती है। हमने भी तो स्कूबी को तभी दिया था क्योंकि पड़ोस में कोई बार बार पड़ोसी आते थे कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तुम्हारे कुत्ते ने ये किया वो किया। आप समझ सकते हो, बहुत टेंशन वाला माहौल हो जाता है, सिरदर्दी सी हो जाती है जब पड़ोसी आपके घर आके आपसे झगड़ने लग जाए, वो भी कुत्ते के लिए, समझ रहे। पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग कर दी है, झाड़ू पोछा भी लगा दिया था, झाड़ू भी लगा दिया, यहाँ बाहर भी अच्छे से साफ कर दिया मैंने सारा एरिया।
खिलौने खिलौने बिखरे हुए थे। पापा जी बाहर, स्कूटी दिख रही होगी ना पापा जी की, बाहर बैठे हैं। इस मामले में मैं देखिए स्कूबी को ही गलत बोलूंगी, स्कूबी के जो मम्मी पापा थे जिनके पास अभी वो 2-2.5 महीने रह के गया, उनको गलत नहीं बोलूंगी, क्योंकि इसको पाला ही इस तरीके से गया है, स्टार्टिंग से इसकी परवरिश इस तरीके की हुई है। ये बहुत शरारती है, जैसे होते ना टिकाऊ कुत्ते होते हैं कि एकदम एक जगह कोने में चुपचाप बैठ जाए या आराम से रिलैक्स होके लेटे रहे, वैसा बिल्कुल भी नहीं है ये। एक तो देखो उनके भी घर में क्या करता था, चप्पल जूते काट लेता था उनकी, कोई भी रखी होती थी उसे कर देता था, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद भी नहीं छोड़ा। मुझे ये बात बोली थी मेरी मम्मी को कि अब हम इसको भी आपको नहीं देंगे, हमारे इससे लगाव हो गया, लेकिन इसकी कुछ गलती हुई, पड़ोसियों के साथ इसने कुछ ऐसा कर दिया, काटा नहीं, किसी को काटा नहीं है कहीं आप ये सोचो, बट उनका नुकसान कर दिया, पड़ोसियों का कुछ नुकसान कर दिया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, पड़ोसी अब उनसे कुछ बात हुई होगी या उन्होंने खुद ही छोड़ दिया ये सोच के कि यार ये तो मतलब इसकी वजह से, तो देखियो ये पड़ोसियों से उलाहना लाता है स्कूबी। तो अब यहाँ पे आए हैं, लेकिन अभी काफी शांत है आराम से, क्योंकि एक तो देखिए धूप, बड़े दिन हो रखे हैं, आराम से बैठा रहता है, खाना दे दिया था, खाना खा लिया, उसके बाद सो गया, रिलैक्स हो गया आराम से। अब मतलब पहले वाला एक होता था, पहले तो ऐसा था कि कोई गली में आए ना उसी के पीछे दौड़ पड़ता था, अब वो नहीं कर रहा है, बहुत शांत हो गया है अभी, या तो ये अभी एक दिन हुआ है इसको यहाँ आए हुए इसलिए ऐसा कर रहा है। आई होप सो कि अब ये थोड़ा ठीक रहे, इतना ज्यादा कॉलोनी में शिकायत ना लेके आए, उस टाइम तो बहुत बुरी हालत हो गई थी, आप भी जानते हो, अच्छा नहीं लगता। देखिए परेशान हो जाता है बंदा जब पड़ोसी आपसे एक कुत्ते के लिए लड़ने आ जाए या बोले कि देखो इसने ये कर दिया वो कर दिया, उस चीज से तो सबको हर कोई बचना चाहता है, हर कोई ना ये नहीं चाहता देखो कोई कभी भी की सड़क पे तमाशा हो या किसी से भी कोई बातचीत हो, हर कोई अपने घर में ही खुश रहना चाहता है ना। तो बस, लेकिन हाँ ये बात मैं जरूर बोलूंगी, स्कूबी की डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत लोग हैं जो स्कूबी मांगते हैं, अभी भी मांगते हैं, बल्कि एक मैम थी उन्होंने भी बोला, बोलते मेरे को स्कूबी दे दो, बल्कि वो मिलने भी आती थी स्कूबी से बीच बीच में। उसके एक और है उन्होंने भी बोला, इवन हमारे जहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स है ना वो भी मांगते हैं, क्योंकि वहां बैठते हैं ना कि हमें दे दो ये कुत्ता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्टिव है, एक एक्टिव बहुत ज्यादा है, मतलब ये मतलब चोरी नहीं होने देता, आपको भी पता है अभी रिसेंटली मेरे घर में चोरी हो गई थी ऊपर वाले घर में पापा जी के, तो वो चोरी कभी नहीं होती अगर ये यहाँ बैठा होता, क्योंकि ये मतलब होता नहीं है कि उस मामले में बहुत वो है, किसी को अब घुसने ना दे इस साइड। तो उस दिन मेरे जब ये उस दिन हुआ था ना, मैंने बताया था कि हुक्का गायब था हमारे घर से ऐसे से एक दो चीजें, तो मैं पापा जी से यही बात कर रही थी, मैं बोलती पापा जी अगर स्कूबी होता ना तो हमारे घर से कोई हिम्मत नहीं थी कोई उठा के, मतलब ऐसे कुंडी तोड़ के कोई चीज उठा के ले जाए, ये ऐसा था मतलब बैठा रहता था पूरी रात, है ना। तो देखिए परेशान करते हैं जानवर, तो उनका थोड़ा सा तो सुख भी होता है ना, अच्छी बात भी होती है। तो अभी के लिए देखिए अगर वो दोबारा मांगेंगे हमसे स्कूबी, जिनके पास अभी 2-2.5 महीने रहा है, क्योंकि स्कूबी की भी अटैचमेंट उनसे भी है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है उनके साथ, है ना। अगर वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो सकता है उन्होंने स्कूबी इसलिए हमें दे दिया हो अभी कि ताकि उनके पड़ोसियों का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए, 10 दिन बाद फिर इसको ले जाएंगे, अगर वो लेने आएंगे तो ले जाए, नहीं तो यहाँ पे भी हमें कोई दुख नहीं है, कष्ट हमें इससे कुछ भी नहीं है इस टाइम स्कूबी से, क्योंकि ये पहले जितनी शरारत नहीं कर रहा और अभी तक तो किसी पड़ोसी से फिलहाल उलाहना भी नहीं लेकर आया है। आप सबके कमेंट्स पढ़े, अभी तक मैं जवाब नहीं दे पाई, माफ कीजिएगा, क्योंकि कल मैंने आपको एक कम्युनिटी डाली थी जिसमें मैंने बोला था मैं काफी ज्यादा टेंशन में थी, बहुत हैवी स्ट्रेस था मुझे कल अपने बच्चे के लिए, बट आज थोड़ा सा पहले से बेटर फील कर रही हूँ और अब बिल्कुल अपने काम पे अपने बच्चे पे ध्यान दूंगी। और एक अच्छी बात यह है कि अभी जिन डॉक्टर से ट्रीटमेंट शुरू करवाए हैं वो 4-4, 4.5 हजार की दवाइयां नहीं लिख रहे हैं, इतनी महंगी दवाइयां नहीं है। मेरे को पहले भी कमेंट आते थे कि ये जो एपिलेप्सी होते हैं उसके 300-400-500 रुपए की दवाई आ जाती है महीने की, आप इतनी महंगी महंगी आप कह रहे हो 3,500 रुपए की दवाई आ रही है हर महीने, इतनी महंगी आपकी दवाइयां कैसे आ रही है। तो देखिए वही होता है, देखिए फॉर्मूला तो वही होता है दवाई का, कई डॉक्टर होते हैं वो महंगी वाली लिख देते हैं जिसमें मतलब सोल्यूशन की जो कंपनी अलग होती है, मतलब फॉर्मूला वही होगा दवाई का, चीज भी वही होगी, बट एक दवाई होगी 800 की, एक दवाई होगी 100 रुपए की, पता नहीं ऐसा फर्क क्यों होता है, बट चीज वही होती है, ऐसा है तो वही है ना। कोई डॉक्टर महंगी दवाई दे देते हैं लिख देते हैं, कोई होता है जो सस्ती दवाई लिख देते हैं। तो ये जो डॉक्टर से अभी मैंने ट्रीटमेंट शुरू करवाया विहान का, वो तो ये लगा लो मुश्किल से 500 रुपए की दवाइयां दे रहे हैं अभी इस टाइम हर महीने की विहान की, तो एक तरीके से कहां देखो 4,000 कहां 500 रुपए, है ना।
बहुत ज्यादा, और ज्यादा मतलब उम्मीद तो है कि ज्यादा टेस्ट वेस्ट भी फालतू के नहीं करेंगे, क्योंकि देखो ज्यादा एक्सरे कहते नहीं बच शरीर के लिए अच्छे नहीं होते, ज्यादा एमआरआई भी अच्छे नहीं होते, बार बार ईजी किरणें जाती है यार शरीर में, रेज जाती हैं जो कि शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। तो बस उम्मीद है, आज मैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैंने आज सुबह उठी थी बस इसी उम्मीद में कि अब तो निधि तू सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे पे ध्यान देगी, उसका ट्रीटमेंट अच्छे से दे। और किसी ने कमेंट किया था कि देखिए आप कैसा माहौल दे रहे हो, देखो घर का माहौल तो मेरा बहुत अच्छा है, मैं पूरी कोशिश रखती हूँ हमेशा घर में पॉजिटिविटी बनाए रखती हूँ, इस घर में जिसमें मैं रह रही हूँ वहाँ हमेशा अच्छा माहौल रहता है, मेरे घर में इधर कोई ऐसा ऐसा लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए, मेरे बच्चे को मैं बहुत पॉजिटिव और अच्छा माहौल दे रही हूँ, वो हंसता खेलता हमेशा ऐसे ही रहता है, मतलब बहुत बढ़िया, जितना मुझसे हो पा रहा है मैं उसका माहौल घर का बहुत अच्छा देती हूँ। और इसीलिए देखो मैं अलग ही रहती हूँ, मैं रहती हूँ बस, मेरा बच्चा रहता है, हम दोनों ही तो रहते हैं इस घर में, है ना, तो लड़ेंगे भी किससे लड़ेंगे आप ही बताइए, है ना। तो अच्छा माहौल है मेरे घर का, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे इस चीज का बहुत ही ज्यादा वो पता है कि बच्चों के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट क्या होता है, क्योंकि बहुत सी चीजें बचपन में हमने देखी है, तो एक होता है ना वो चीजें माइंड को बहुत इफेक्ट करती है, तो हमेशा से मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को एक पॉजिटिव और अच्छा माहौल मिले जिसमें वो हमेशा खुश रहे। तो बस अब मेरा एक ही लाइफ का लक्ष्य है, एम है, वो है अपने बच्चे को ठीक करना और उसका ट्रीटमेंट करवा के उसे दवाइयों से, मतलब दवाइयां छोड़ो उसकी हेल्थ बनानी, उसका शरीर बनाना, बस उसको कुछ बढ़िया बनाना है, उसका हेल्थ भी, उसको इंसान भी अच्छा बनाना है, उसकी उसको कामयाब करना है मुझे, मेरे बच्चे को, बस यही मेरा सपना है। ठीक है जी, इस वीडियो का मैं ही एंड कर देती हूँ, मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।